इन गेंदों के अंदर है आपके पिछले 500 वीडियो के दौरान किए गए कमेंट्स, यानी कि आपके दिए हुए अजब गजब के ढेर इन सारी गेंदों के अंदर छिपे हुए हैं। तो भाई हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि यार इन 12 गेंदों के अंदर क्या क्या ढेर है। हो सकता है यार कुछ खतरनाक ढेर भी हो। आप देख सकते हैं हर एक गेंद के अंदर यहाँ पर एक कोई पर्ची डाली हुई है और उसको इस टाइप से खोलना है और एक एक ढेर करने हैं। तो इस कमाल की वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ये सब चीज बिल्कुल मुफ्त है। और अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो भाई क्या आप जानते हैं कि यार आप मौज मस्ती करने के साथ साथ आप असली पैसे कैसे कमा सकते हैं? आपको नहीं मालूम ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। परीमैच है वर्ल्ड्स नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास गेम के बहुत सारी वेराइटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है देखने को। आप यहाँ पर मात्र एक क्लिक करके मस्ती करते करते आप है ना बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास गेम मिल जाएंगे, जैसे कि यार जेट एक्स, लाइटनिंग, रूलेट और अंदर बार। यहाँ पर आपको हर टाइप का गेम देखने को मिल जाएगा और आप मात्र 200 रुपये से यहाँ पर है ना खेलना शुरू कर सकते हैं। और इंस्टेंट जीतने के लिए आप एविएटर को भी यहाँ पर आप आसानी से खेल सकते हो। इससे आप बेट छोटी कर सकते हो और 2 क्लिक के अंदर आप जीत सकते हो। परी मैच के अंदर तुरंत जीतो और तुरंत पैसे निकाल सकते हो। परी मैच को मैं यार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इतना तेज विड्रॉल सिस्टम करने के लिए। और अगर आप मेरे लिंक से है ना रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा 1,05,000 रुपए तक का बोनस और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे VIP ऑफर्स। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, लिंक जो है ना वो पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा, कमेंट पिन चेक करना और अभी के अभी परी मैच को डाउनलोड कर लो। इन सभी 12 बॉल्स को डाल देंगे इस घड़े के अंदर और एक एक बंदे को 3-3 डेयर कंप्लीट करने होंगे और जिसके भी जो भी डेयर आएगा उसको पब्लिक के अंदर जाकर करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ। क्या आया? दिखा 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 क्या आया है? तो भाई यहाँ पर जो है मेरे को सबसे पहला डेयर मिला है पब्लिक में अपनी टीवी तोड़ो, अपनी टीवी। अरे बाबा भाई पब्लिक के अंदर जाना है, काफी सारे लोग रहेंगे वहां पर भाई, टेलीविजन ले जाकर उन सबके सामने तोड़ना है। अरे जा जल्दी जा, जल्दी जा, तो भाई मार्केट के अंदर जो है मैं आ चुका हूँ और डिक्की के अंदर मेरा टेलीविजन है और एक भाई लट भी है। तो भाई मैं जाता हूँ पीछे, टेलीविजन निकालता हूँ और पब्लिक के अंदर फोड़ देता हूँ। तो भाई अब आती है मेरी बारी और एक गेंद मैं भी निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि भाई मुझे क्या डेर मिला है। ये निकल गई पर्ची। निकाल 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 जल्दी निकाल भाई, पर्स लेके भागो भाई। चोर 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 हूँ मैं, चोर हूँ। चोर बनेगा तू? ये डेर कैसा है वो अब ये करेगा। जा 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 जा। तो भाई मेरा अगला डेर है कि भाई मुझे ना पब्लिक के अंदर शिवराज के हाथ में रहेगा ये पर्स और ये लेकर यानी मैं चोर बनूंगा, भाग जाऊंगा और ये जोर जोर से चिल्लाएगा कि भाई मेरा पर्स लेके भाग गया, चोर पर्स लेके भाग गया। तो भी देखते हैं कितने लोग मुझे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। चले चलो, रेडी है तू? ठीक है, मुंह बांध मुंह बांध। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। कुछ भी तो भाई जैसे शिवराज ने पैसे बाहर निकाले मैं भाई
चपक के छीन के भाग गया, वहाँ पर भाई लोग देख रहे हैं। भाई पता नहीं लोगों को लगा कि नहीं लगा, लेकिन ये असली चोर जरूर लगा है। भाई अभी तक मेरे पीछे भाग रहे थे कई बंदे, ये असली चोरी नहीं है, बस डेयर था, इसने कंप्लीट कर दिया। तो भाई अब मेरी बारी आ चुकी है और अब मैं निकालता हूँ एक गेंद और देखता हूँ क्या डेयर है। ये नहीं भाई, ये भी नहीं, निकाल जल्दी निकाल ले यार। ये निकाल दी, फिक्स हो गया, निकाल। और अरे भाई अरे भाई ये देखो यार, ये तो बड़ा ही खौफनाक है। पब्लिक में अपने आप पे कोल्ड ड्रिंक उड़ेलनी है मुझे भाई। जा 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 जल्दी जा 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 जा। No, 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 no. मरना तेरे को डर नहीं लगता? आ गई भाई अपनी सवारी और इसको मैं कर देता हूँ स्टैंड के ऊपर। और भाई इनमें से मैं एक अपना डेयर निकाल लेता हूँ। निकाल भगवान पता नहीं क्या आएगा। चलो ये मैंने डेयर निकाल लिया है और भाई अरे यार चौराहे के ऊपर भाई मुझे जाकर डिप्स निकालनी है, एक्सरसाइज करनी है और भाई पता नहीं क्या होगा। तो चलो भाई चौराहे के ऊपर चलते हैं। तो भाई अब मेरा जो अगला ढेर है ना वो है भाई एक चौराहे के ऊपर पब्लिक के अंदर जाके मुझे डिप्स निकालनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो भाई ये रहा चौराहा और यहाँ पर काफी सारी पब्लिक है भाई, आप पीछे देख सकते हो। उस पब्लिक के पास ही जा तू, जा यहीं पे। हाँ वो बहस कर रहे हैं ना। भाई आज कैसे कैसे डेयर मिल रहे हैं यार। सबसे पहला जो मेरे को डेयर मिला था उसके अंदर भाई मेरा नुकसान हो गया, मेरी जो टेलीविजन थी, जो मेरी टीवी थी भाई, उसको मेरे को पब्लिक के अंदर फोड़ना पड़ा। और अब देखते हैं मेरे को कौन सा डेयर मिलता है भाई। अरे भाई साहब, भाई यार ऐसे डेयर मेरे को क्यों मिलते हैं यार। चार दोस्त रहेंगे और पब्लिक रहेगी, उनके बीच में भाई दोस्तों के साथ में मेरे को लड़ना है भाई, लड़ाई झगड़ा। क्या रे हमें बताता हूँ तेरे को। क्या चल 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 चलो लड़े चलो लड़े। तो भाई मेरा अगला जो डेयर है वो ये है कि भाई मेरे को इन तीनों से लड़ाई झगड़ा करना है, वो भी पब्लिक के अंदर। तो भाई मैं जाता हूँ गाड़ी के बाहर और इनकी गाड़ी के आगे आगे चलूंगा और इनको साइड नहीं दूंगा, और भाई ऐसे करके हम चारों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन। तो भाई ये चल रहा है, बीच बीच में मैं हॉर्न मार रहा हूँ। अरे हट हट जा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। मैं डरन वाली राह जलमियो को नहीं भाई। तो भाई जैसे ही हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई, गुड्डू ने बोनेट के ऊपर हाथ जोर से मारा, भाई इतनी ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हो गई। इतनी हुई, वो सोच रही थी भाई अकेले को क्यों टोक रहे हैं, क्यों मार रहे हैं भाई, उनको पता ही नहीं चला। तब तक हमने गुड्डू को गाड़ी के अंदर डाल दिया और वहां से भाग गए। तो गाइस बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो भाई एक बॉल इनसे निकलवाता हूँ और लेता हूँ एक तगड़ा वाला ढेर। एक बॉल निकाल के दे। तो भाई बच्चे ने यहाँ पर बॉल निकाल कर दे दी है और मैं अब देख लेता हूँ कि भाई मेरी किस्मत के अंदर क्या लिखा है।
अनजान आदमी के पास जाकर पैसे मांगकर रोना स्टार्ट कर दो। भाई पब्लिक में जाकर मुझे पैसे मांगने, वो भी रो रो कर, जाता हूँ भाई। तो भाई मैं आ चुका हूँ एक सिटी के अंदर और भाई मेरा डेर था कि पब्लिक में किसी अनजान आदमी के पास बैठकर जोर से रोना और उसके बाद उससे पैसे मांगना कि भाई मुझे पैसे दे दे, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, करते हैं। पैसे दो। कौन पैसा भाई? पैसे दो। अरे वासुला आगाजार है, आगाजार। अरे हट भाई तू दादा। अरे भाई हम तो बाबा रामदेव के सवार हैं, चार रुपया दो। तो भाई क्या हो गया इसको यार, ये खत्म ही नहीं हो रहे डेर। तो अभी भी डेर काफी सारे बचे हैं और एक और पर्ची मुझे निकालनी है भाई, समझ में नहीं आ रहा कौन सी निकालूं। और यहाँ पर मैंने निकाल दी है एक और पर्ची। चिंता मत छोड़ो थानो। अरे जल्दी भाग डाल ना। अरे ये कैसे, कंबल डाल। ये कैसे होगा यार, पता नहीं, तू जा भाग। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये है सर्दियों वाली कंबल और मुझे इस कंबल को किसी अनजान आदमी के ऊपर डालना है। उसके बाद में वो क्या मेरी धुनाई करेगा या फिर वो कुछ नहीं करेगा भाई, काफी चैलेंजिंग डेर होने वाला है मेरे लिए। ये नीचे बैठ गए भैया जो थे और उन्होंने कोई समझ में नहीं आया उनको कि क्या हुआ उनके साथ। निकलो निकलो, चाय बनानी जल्दी, पकड़। इतना सा दूध ठीक है, भाग। और भाई अब मेरा जो डेर है वो मेरे हाथ के अंदर आ चुका है भाई। ये डेर तो भाई सच में खत्म ही नहीं हो रहे। और अरे यार पब्लिक के अंदर मुझे शराबी बनना, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मारेगी पब्लिक। पहले चाय बना के लो दो। भाग, चाय बना। तो भाई चलो शराबी बनते हैं। तो भाई मुझे करनी है शराबी की एक्टिंग और यहाँ पर है मेरे पास फिज, लेकिन ये लग नहीं रही है फिज। और उसके बाद मैंने एक देसी पान खाया भाई, मीठा। और अब मैं असली दारू के लग रहा हूँ। आजा क्यों हिला डाला ना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे नहीं, ए निकाल, चल चल। पहले डेर में टेलीविजन करवा दी, दूसरे में झगड़ा करवा दिया और भाई अब देखते हैं तीसरे में मेरे को
क्या मिलता क्या आया, है क्या आया, जल्दी दिखा दे। तो भाई मेरे को डेर मिला है, अब कट्टे में इंसान को यानी कि टीम में से किसी को भी कट्टे में डालना है, बोरी में डालना है और किसी अजनबी से मदद मांगनी है। तो गाइस शिवराज कट्टे के अंदर है और गुड्डू ट्रेन खेल रहा है। तो भाई मेरा जो अगला डेर है वो है कि भाई शिवराज को मैंने कट्टे के अंदर बोरी के अंदर डाल दिया है और भाई जो भी रास्ते से आएगा उनसे मैं हेल्प मांगूंगा कि भाई जो ये मेरी बोरी है उसको भाई मेरे को उठवाए। तो जैसे ही उठवाएगा और भाई अंदर ये दिख जाएगा तो भाई उसकी कैसी हालत रहेगी, तो ये अंदर से हिलेगा, ये अंदर से हिलेगा तो वेट करते हैं लोगों का भाई। उठवा दिया भैया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो भाई रो रो के मैंने बुरा हाल कर लिया था और भाई अब एक और डेर और बाकी है। तो भाई अब देखते हैं क्या आया है। फेक वीआईपी पब्लिक में छोड़ो, भाई हमारे पास बहुत बड़ा एक वीआईपी बनाया हुआ है यानी कि एक पटाखा बोल सकते हैं बहुत बड़ा है, उसको पब्लिक प्लेस में छोड़ना है भाई ये काम काफी रिस्की है भाई, मार पड़ सकती है मुझे लेकिन छोड़ना पड़ेगा, जा रहा हूँ। तो भाई मेरे हाथ में है यहाँ पर नकली वीआईपी यानी कि जो दिवाली के ऊपर छोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल नकली है, बिल्कुल खाली है, लेकिन भी लोगों को लगेगा कि असली पटाखा है। तो मैं यहाँ पर रोड के पास रख कर और छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। बहन डर गई, बहन डर गई। ऐसा लगा मेरा मजाक भाई, ये देखो रुक ही नहीं रहे, दो गेंदे बची हैं, दो डेर ही बचे हैं, ये और ये, तो इनमें से कौन सी बोल लूं मैं। तो भाई यहाँ पर जो है मैंने ये गेंद उठा ली है और अब मैं देखता हूँ क्या डेर आता है। अजनब आदमी के सामने बेहोश होना है मुझे। तो भाई अब जो डेर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने बेहोश होकर गिरना है या कुछ व्यक्ति बैठे रहेंगे उनके सामने बेहोश होकर गिरना है। तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे, क्या मुझे उठाएंगे, मुझे पूछेंगे क्या हुआ। तो मैं अब चलता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। चक्कर आ गया। पानी पिला दो। तो ये आ गया भाई मेरा लास्ट डेयर और भाई 12 डेयर में से ये सबसे खतरनाक डेयर हो सकता है भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके अंदर कौन सा डेयर है। चलो भाई एक पर्ची मिली है, अब ये खाली है भाई, ये तो मैं करूंगा ही नहीं। अरे करना पड़ेगा, मैं करूंगा। ये क्या लिखा है यार, चल कर जल्दी कर, बता मत ये वहीं पे बाद में बताऊंगा। तो भाई आज का मेरा लास्ट डेयर ये है कि यार मुझे जो है ना, उस टाइम तो आपको मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने वो बताया था कि यार जब मैं करूंगा तभी आपको बताऊंगा। तो डेयर ये है भाई, मुझे काफी सारे फ्रूट लेने हैं फ्रूट वाले से और जब वो पैक कर देगा तो बिना पैसे दिए
वो वहाँ से फ्रूट लेके मुझे भाग जाना है और उसके बाद में देखती है भाई उसकी क्या हालत होती है या फिर उसके रिएक्शन क्या रहते हैं। जाऊँ? जा जा जा। ठीक। तो भाई शिवराज फ्रूट वाले के पास जा रहा है। सेब और केला कम दोनी है सेठ जी। तो भाई ये दुकान वाले शिवराज के पीछे भाग रहे हैं। धड़कन तो तेज हो गई है।